अरे हम तो चाहो ये छोरी चोत गोली मार दे तो मराठा बुत बने दुनिया पूजे दुनिया पूजे। अगर हम दौड़ में मरिया था हम इक बड़ काट के छोड़ देंगे, इनका मार के छोड़ देंगे। प्रजातंत्र मीडिया है वो हमारे हक की जो बात देगी ना तो उनकी दिमाग में जब बात आएगी। हम बेटे तेरा स्वागत करें हैं लेकिन जो हम कहें वो अभी तक दो ना। टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। आप यहां देख सकते हैं करोड़ों की संख्या होने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसे कि पूरे देश से अब हर प्रदेश से किसान यहां कुंडली बॉर्डर इकट्ठा हो रहे हैं। और एक हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हरियाणा के जो किसान हैं उनकी भागीदारी इस आंदोलन में नहीं है, और इस बात को झुटलाते हुए हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं सामने जितने भी ये लोग बैठे हैं ये सभी हरियाणा के किसान हैं और जिनका खुले रूप से किसान आंदोलन को समर्थन ये दे चुके हैं। और जैसा कि हमें एक ताज़ा अपडेट सुबह देखी थी हमने, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के भी किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं हर प्रदेश से जो जन सैलाब है किसानों का वो दिल्ली बॉर्डर पर कूच कर चुका है। और इन किसानों से बात करेंगे, जानेंगे इन कृषि कानूनों को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले बात करेंगे, बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, बहुत कुछ देखा होने पर जिंदगी में, कई आंदोलन देखे होंगे। भाई साहब थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप, पहले सबसे बुजुर्ग किसान से बात करेंगे। ताऊ राम राम, क्यों करके भी होते हैं ये तीन चोर हैं बीजेपी के? कौन कौन से? एक तो मोदी, अच्छा, अरे खट्टर, अच्छा, मरा हरियाणा का, अच्छा, अरे की योगी, अच्छा, अरे एक अमित शाह चार हैं, ये से काले सांप। अच्छा, पहले तो हमने इनकी मुंडी ले ही पकड़े, पहले तो इन रगड़ेंगे, अच्छा, इन्हें खत्म कर देंगे जब आग गए हम चलेंगे। फिर ये तीन जो कानून इन मारे खत्म क्यों कर करेगा? मारेंगे इन्हें, गोली मारेंगे ससरे गए। मैं तो बैठे अपना कोठिया में, उड़ा लग पहुंचे कुकर पहुंचने के रास्ते मारे दौरा बहुत से। अच्छा, पहुंचने के रास्ते सुन ले भाई, ये मारे जो नकली प्रधान है ना कोई होता है मैं हूं, ये पुलिस ने पतला के गिरफ्तार हो हैं। मुन्ना 40 साल हो लिए यूनियन में काम करते हैं। तो के नाम है, गांव कौन सा है? 70 नाम है, जारी का रहने वाला हूँ, सोनीपत ब्लॉक का प्रधान रह रहा हूँ मैं 10-11 साल। ये मनोमर के हिसाब से कितनी उम्र होगी ताऊ? 85 साल की उम्र। 85 साल की उम्र में ताऊ भाई हौसला देखो, ताऊ भाई एक बार ताड़ी बजा दो ताऊ खतरा भाई। 85 साल की उम्र में ताऊ समर्थन देने पहुँच गया किसानों ने, हौसले को सलाम है। नहीं पहुँच रहे, 4 दिन हो लिया मैं ताड़ा ही हूँ। अच्छा, 4 दिन हो लिया आ रहे हूँ, समर्थन देना तो दे कर चला जाओ। हम जब जाएंगे आ रहे थे जब ही सरकार की कांच निकल लेगी। कांच कार का छोड़ देगा सरकार की? क्यों कर लिखेगी हम बता तो न्यू लिखेगा, हमने बॉर्डर सारे सील कर दिए, कामरे बैठे रही सरकार दिल्ली बैठी देगी? ना ना ना, न्यू ना है। और क्यों कर है? अरे ये परे साले मरी काट कर लाग रहे हैं मौके पे। ना ना ना, कोई नहीं काट करता, बता दे। न्यू लिखेगी जब दिल्ली में कोई मौड़ा ना पहुंचेगा, अच्छा, तब लिख जाएगी, भूखे मर जाएंगे, दिल्ली का पानी भी बंद करेंगे, सब्जी बंद हो ली तकरीबन, दूध बंद हो लिया। जिस दिन हमने अपनी आठ या दिल्ली वाली नहर काट दी, फिर दिल्ली वाले के खुट कर दिए भूखे पैसे मारोगे क्यों? और वो हमारा समर्थन में झंडे वो नारे लाओ हमारे हक में। अच्छा, वे भी लाओ उड़े घर बैठ के। सूझी ही बात है, दिल्ली की कांच काट देंगे। जो दिल्ली में बसंदे मारे जमींदार हैं, मजदूर भाई हैं, वो हमारे समर्थन में आ जाओ, हम उनके लिए हैं। लेकिन हमने तो चोर मारने हैं। चोर मार काटेगा तो? चोर मार काटेंगे भाई, मारी तो पार बसा की तो मारे। तो एक बात बता, जो करा कर अनिल भी अपना गृह मंत्री गब्बर भी कह दो, गब्बर सिंह भी कह दे उन्हें, वो न्यू कह है आके ये जो किसान आंदोलन है ना ये कांग्रेस ने किसान बका के भेज रहा है, क्या जवाब देगा उसकी बात का? उसकी बात का जो जवाब है वो देख के जवाब दिए गब्बर सिंह। हाँ, 300 ने सजरे गब्बर हम के जाने। अच्छा। भाई रे तू कितना है बोल लिया, बेशक मैं टाल कर दूंगा। बोल ले, बोल लेता हूँ, बोल लेने दो भाई बुजुर्ग, बढ़िया बात बताओगा। वो गब्बर सिंह है ना,
चल मैंने ले चाली की टिब्बा पांध रू ससरे की पे 85 साल की उम्र में ठाडा तेरे थे अरे 300 ठाडा ठाडा चलो है अच्छा ये जोटे फूल रहे कुछ भी ना एक पेट में टक्कर मारे तो जरा बाजे भी ना छावे गृह मंत्री भी तो ठोक देगा तेरे फिर वो बात आ गई भाई मान लिया भीतर ठोक दे और मारा गोली मरवा दे मारा जो सारा हिंदुस्तान भाईचारा जो जमींदार ये तो घना कसूता काम हो गया इब तो सारी सेटा का किसान आना रहा है अरे हम तो चाहो ये छोर जो गोली मार दे तो मारा आड़ा बुत बने दुनिया पूजे दुनिया पूजे अगर हम दौड़ में मरिया था हम इब का बड़का हट के छोड़ देंगे इनका मार के छोड़ देंगे चाहे बरस दिन बैठे रहो वाड़ा बरस दिन बैठे हो अटदा को नहीं कोई करीब तो एक बात प्रधानमंत्री मोदी न्यू के है अक किसान ने के समझ में ना रही है कानून नुके जब समझ में आ जाएंगे नहीं इतना फायदा होगा इनका आगे सोच भी नहीं सकते अरे क्यों रोला कर रहे अरे इन परेशाड़ा में जब परेशाड़े सारे मोल ले रखे मोदी ने हम कौन ले रखे तो हम तो सही दिखाओ जो सच्ची बात है तेरी बात बताए जो सी बात कही मोदी ने मतवा बताई है जब वो तो बताओगे उनके मीडिया सब के मुंह का हो रहा है वो आओगे वो हम सुनेंगे आम किसान कौन भेज रखे आप नहीं भेज रखे ना बहुत अच्छी बात है प्रजातंत्र हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है मीडिया को भी किसान को भी व्यापारी को भी मजदूर को भी कमेरे को भी दुकानदार को भी सबको कहने का हक है जब मीडिया हमारी स्टेटमेंट असली देने लग जाएगी ना जब गवर्नमेंट आप मर जाएगी आप मान लेंगे मारी मीडिया है मारे हक की बात नहीं देती 90% मीडिया इनके चोरा के बिखरी है जो प्रजातंत्र मीडिया है वो हमारे हक की जो बात देगी ना तो उनकी दिमाग में जब बात आएगी हम बेटे तेरा स्वागत करें हैं लेकिन जो हम कहें वो अभी तो दो ना ये जो नसीब बात ने सारी बताई है नी पूरी दुनिया देखेगी एक एक बात ने देखेगी तो फिर नहीं देखे ना मेरी गिट्टी पकड़ लिया आके जब हमारे भाई और बत्ती चार होंगे फिर और बत्ती आओगे जैसे हमारी बात बताओगे तो और ज्यादा आओगे हम और ज्यादा सक्रिय होंगे तो सीधी ही बात भाई का आर पार की लड़ाई है हम इतना हटेंगे नहीं काले मजारी काम का हूँ बता दिया आपने 35,000 रुपये इकट्ठे कर कर आड़े भंडारी में दिए हैं बाइक में और ताड़ी बिता दो 35,000 बताओ इकट्ठे करके लाया किसान खातर और बहुत आ रहे था अच्छा। मेरे और भाई इकट्ठे करके लाए मैं आ रहे था दे दिए किसानों के आंदोलन में क्या हाँ हटियो ना मत और ये भी बेसिक फोन कर दो और इकट्ठे करने लग रहे हैं और 1,000 ही नहीं सारा एरिया इकट्ठे करा है चाहे आड़ा बरस दिन हो जाओ थोड़ा सा अभी दूध राशन सामान ले गए ट्रैक्टर ट्रॉली आन लाग रहे हैं बहना पूरा हरियाणा के पूरा देश एक हो रहा है चश्मे उतर जाएंगे ये खट्टर के भी योगी के मोदी के भी अमित शाह के भाई मैं बिला रहा हूँ मेरा ना तरवाइये तो दे भाई देखा ताऊ ने 85 साल का ताऊ जारी गांव है गड़बड़ करेगा तो तेरे भी उतर जाना ना ना मिला देंगे अच्छा दो मिला देगा ठीक बात है तो जायज बात है तो भाई देखा आपने जिनसे ये बयान आया था सीएम खट्टर साहब का अक भाई किसान हरियाणा के इसमें कौन नहीं लेकिन देख ले भाई किसान हरियाणा का बैठा हो रहा है और न्यू कहे सप्ताह हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा 22 तारीख ने रात ने पेशाब कर उठा जब चोट लग गई थी दिखा दे बताओ की चोट दिखा दे बस 85,000 में चोट लग रही है अरे दवाई मिलेगा या चोट ला रही ताऊ ने गोटे पूरा पट्टी धरी है अच्छा तो भाई बने रहो ग्राउंड भी गेला हम आपने लगातार यह रिपोर्टिंग जो है किसाना की जो बात है वो लगातार दिखाते हैं और किसान के चाव है और सरकार इनकी बात माननेगी अगर नहीं माननेगी माननेगी जब कह रहेगा जब तो ठीक हो जाए सारा सौदा अच्छा धक्के ताऊ तेन कह धक्के मनाओगे तो भाई बने रहो ग्राउंड मीडिया गेल लगातार ये रिपोर्टिंग ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी जोनी भारद्वाज के साथ कुंडली बॉर्डर दिल्ली से राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।